अगेन वेलकम स्टूडेंट्स बाय ज़ूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती है। क्लास प्लस टू का जो शेड्यूलिंग की गई है और उस शेड्यूलिंग में आज का जो टॉपिक है हमारा व्हाट्स हैपन आफ्टर द पोलिनेशन, व्हाट हैपन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। हमने पोलिनेशन के बाद के स्टेप्स जो है वो कुछ डिस्कस कर लिए थे, कुछ इसमें करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है वो इस वीडियो के अंदर हम अब डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर में अभी तक जो हमने वीडियो में किया था वो ये किया था कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली एम्ब्रियो सैक तक करवाई थी, उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन किया था, है ना। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन देयर इज द सीड सेटिंग, यस, तो उसके बाद में क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस कंडीशन फॉर दैट, हाउ द सीड इज डेवलप्ड इन एक्यूरेट कंडीशन। क्लियर भाई, ओके फटाफट करते हैं बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, हमने प्री फर्टिलाइजेशन चेंज किए, फर्टिलाइजेशन किया, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के ऊपर आते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में उस फ्लावर के अंदर क्या होता है। देखिए फ्लावर के पास दो पार्ट थे, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल पार्ट के अंदर एंथर एंड स्टैमन, एंथर एंड द कार्पल पार्ट होता है। एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन को हमने स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। एसेसरी पार्ट्स पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पोलिनेशन डन हो गया, अब इनका कोई काम नहीं है। इसका मतलब सेपल्स, पेटल्स, एंथर सभी के सभी वहां से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो फ्लावर है वो फेड हो जाता है, वो गिर जाता है, अब उनका कोई काम नहीं होता है। क्लियर, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मींस जिसके अंदर सीड है अभी, तो वो जो सीड है अब उसका एरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उस प्लांट के अंदर फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उस प्लांट के अंदर उस एरिया के अंदर रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, उस प्लांट के अंदर इथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यू नो इथाइलिन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। क्लियर, ओके, तो क्या होगा, फ्लावर फेड हो जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, एथिलीन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट कॉज मोर एंड मोर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, पेटल स्टेमन स्टाइल सारी की सारी गिर जाएंगी। क्लियर भाई, लेकिन किसी किसी केस के अंदर कैलेक्स रह जाता है, जैसे भिंडी है हम काटते हैं तो वो पीछे वाला जो पार्ट जो काट के गिराते हैं वो क्या है, उसका कैलेक्स है। बैंगन के अंदर होता है ना, टोमेटो के अंदर होता है, तो बहुत सारे पार्ट्स जिसके अंदर कैलेक्स रह जाता है, किसी किसी के अंदर तो मॉडिफाई भी हो जाता है कैलेक्स, तो इन द फ्यू केसेस कैलेक्स रिमेन्स, एग्जाम्पल जैसे कि टोमेटो है, ब्रिंजल का केस है। लेकिन इन द केस ऑफ फाइजैलिस है ना, फाइजैलिस के केस के अंदर जो कैलेक्स है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है फॉर द मोर एंड मोर प्रोटेक्शन ऑफ द डेवलपिंग फ्रूट, ओके, एंड सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर भाई, और जो माइक्रोपाइल ऑफ द एम्ब्रियो था जहां से पोलन ट्यूब एंटर की थी, अब उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल ऑफ द सीड, क्योंकि ये वही पोर है जहां से ऑक्सीजन एंड वाटर सीड के अंदर एंटर करेगा जब सीड को जर्मिनेट करेगा। तो माइक्रोपाइल ऑफ द एम्ब्रियो इज यूज्ड फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एज वेल एज द ऑक्सीजन इन द सीड जर्मिनेशन कंडीशन। क्लियर, और जो ओवरी की जो वॉल थी, Now they become the wall of the fruit and that is known as pericarp. And pericarp is the fruit wall. और जो seed है वो seed अब develop करता करता dry form में हो जाएगा, और उसके अंदर इतना dryness आ जाएगी, उसका moisture content सिर्फ और सिर्फ 10-15% ही रह जाता है। Point to be noted, already एक बार पूछा जा चुका है। Clear भाई, अब उसके अंदर क्या होगा, हमने डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें बनाई थी, एक जाइगोट बनाया था और एक एंडोस्पर्म बनाया था। जाइगोट के केस में ये बताया था भाई कि जो जाइगोट है वो जाइगोट कैसे बनेगा। देखिए जो एम्ब्रियो सैक है वो कहां बैठा था, न्यूसेलस में, तो उस न्यूसेलस को कंप्लीट कंज्यूम कर लिया जाएगा एंडोस्पर्म के थ्रू, बाहर से न्यूसेलस को खींच के एंडोस्पर्म बढ़ता रहेगा। क्लियर भाई, लेकिन कई कई बार न्यूसेलस बाहर वाला कंप्लीट नहीं खींचता एंडोस्पर्म से, वो रह जाता है। तो अगर न्यूसेलस बाहर वाला कंप्लीटली कंज्यूम ना हो एंडोस्पर्म के थ्रू, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा जा चुका है, इफ द न्यूसेलस इज प्रेजेंट इट इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एंडोस्पर्म, दैट इज नोन एज द पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ब्लैक पीपर का एग्जाम्पल है, कॉफी का, कैस्टर का है, कार्डेमम का, एंड निम्फिया फ्लावर के केस का है। क्लियर भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, कि जो न्यूसेलस है उसको खा करके एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म को खा करके जाइगोट या सीड डेवलप होगा।
तो इसके बेस पे आगे जाकर के दो टाइप के जो सीड है वो हम बताते हैं कि कई कई बार ये जो जाइगोट डेवलपिंग जाइगोट है ना, इस एंडोस्पर्म को खा नहीं पाता कंप्लीटली और ये रह जाता है। इफ द एंडोस्पर्म इज परसिस्ट, अगर बचा हुआ है सीड में, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, दैट इज नोन एज एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल है कैस्टर सिरल्स कोकोनट का। इसके सिरल्स के केस में जैसे कि एग्जाम्पल जो एलिमेंट्री के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मेज है, वीट है, बार्ले एंड रबड़ का एग्जाम्पल भी आता है इसमें, क्लियर। और कई कई बार जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उसको हम बोलते हैं, और वो एंडोस्पर्म जो कंप्लीटली जाइगोट कंज्यूम करके और अपने कॉटिलेडन के अंदर उसको स्टोर कर लेता है, तो ऐसे सीड को बोला जाता है दैट आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म नहीं रहा ना, वो सारा का सारा मटेरियल उसका कॉटिलेडन में चला गया, दैट इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इनका एग्जाम्पल जो है पी है, ग्राम, बीन, सनफ्लावर एंड ग्राउंड नट, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है। और जो सीड की जो एम्ब्रियो सैक की इंटेग्यूमेंट्स थी, नाउ दे बिकम द कवरिंग ऑफ द सीड एंड दैट इज द टेस्टा एंड टेगमेंट, क्लियर भाई। तो देखिए हर चीज कन्वर्ट हो गई है, हर चीज को हमने यहाँ पे नया नाम दे दिया है, लेकिन कई कई बार जो एंडोस्पर्म है उसको हम नाम दे देते हैं एक नया, दैट इज अ रुमिनेट एंडोस्पर्म। और ये रुमिनेट एंडोस्पर्म क्या होता है, कई कई बार एंडोस्पर्म बहुत हार्ड हो जाता है, परसिस्ट होता है और वो मुड़ जाता है, क्लियर। व्हेन द एंडोस्पर्म बिकम कन्वोलेटेड, एग्जाम्पल जैसे एरिका सुपारी जिसको हम खाते हैं, तो जो सुपारी है उसके केस में जो एंडोस्पर्म है दैट बिकम वेरी कन्वोलेटेड एंड वेरी हार्ड एंड दैट इज नोन एज अ रुमिनेट एंडोस्पर्म, क्लियर भाई, एंड इट इज वेरी हार्ड। लेकिन एक केस और बताएं जो है वेजिटेबल इवोरी का केस जो है, एंड दैट इज द फाइलोफस माइक्रोकार्पा, है ना, फाइटेलिफस माइक्रोकार्पा के केस में जो वेजिटेबल इवोरी है उसका जो एंडोस्पर्म है दैट इज सेलुलोजिक एंडोस्पर्म एंड दैट इज वेरी हार्ड, सेलुलोजिक हार्ड एंडोस्पर्म, इतना हार्ड है, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बटन, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अम्ब्रेला हैंडल हेड्स एंड द बिलार्ड बॉल्स के केस में इनको यूज किया जाता है, क्लियर भाई। तो ये केस था एंडोस्पर्म एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का, ओके बेटा। तो ये सारा का सारा चेंज जो है ये सारा का सारा किसके बाद में होता है, पोली फर्टिलाइजेशन के बाद में। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, माइक्रोपाइल फर्स्ट जो है वो माइक्रोपाइल पहले जो एम्ब्रियो सैक का था अब वो बन गया है किसका, सीड का, एंड नाउ इट इज हेल्प फॉर द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वॉटर, क्लियर भाई। सेपल पेटल्स एंथर सब कुछ गिर जाता है ना, लेकिन कैलेक्स रह जाता है कई के केस में, कई केस में फाइजेलिया के केस में वो बढ़ भी जाता है। फ्लावर फेड हो जाता है, कोई उसका काम नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है वहाँ पे, इथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सीड एंड द फ्रूट फॉर्मेशन बढ़ जाता है, क्लियर भाई। इसके अलावा जो ओवरी की वॉल है वो ओवरी की वॉल किसकी वॉल बन जाती है, नाउ इट बिकम द फ्रूट वॉल, दैट इज द पेरिकार्प। इंटेग्यूमेंट जो है वो सीड की कवरिंग बन जाती है, दैट इज द टेस्टा एंड टेगमेंट, क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या है आपका, सीड है, क्लियर। फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प, सीड की कवरिंग को टेस्टा एंड टेगमेंट। सीड के अंदर मॉइस्चर कितना रह जाता है, 10-15% रह जाता है। अगर न्यूसेलस को कंप्लीटली एंडोस्पर्म ना खा पाए तो न्यूसेलस, बचे हुए न्यूसेलस को क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। और अगर एंडोस्पर्म को ना खा पाए तो उन सीड को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड, है ना, या एल्ब्यूमिनस सीड। लेकिन अगर कंप्लीटली जाइगोट इस एंडोस्पर्म को खा जाए और अपने अंदर कॉटिलेडन की फॉर्म में स्टोर कर ले तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, क्लियर बेटा। इसके अलावा अगर कोई और क्ल्यू है तो प्लीज मुझे बताना, ये वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, थैंक यू।